Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today lecture is heat treatment process and their types. Heat treatment process बहुत ज़्यादा manufacturing side पे use होती है. So उसके process heat treatment process basically है क्या और उसके types हम पढ़ेंगे. So let's start. Okay. Heat treatment is a series of operation involving the heating and cooling of a metal in solid state. Heat treatment of a steel is heating and cooling of a metal to change the physical and mechanical properties without letting it change in its shape. By heat treatment, a metal can be made harder, stronger, and more resistant to impact. Heat treatment can also make a metal softer and more ductile. So, heat treatment ko kisse define karenge? Ki metal ko aap heat karte hain एंड देन कूल करते हैं. बस ये दो स्टेप है, लाइक तीन स्टेप करते हैं. पहले हीट करते हैं, फिर उसको कुछ टाइम के लिए, एक घंटा दो घंटा जो भी आपके टाइम रिक्वायरमेंट है, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल कि कितने टाइम के लिए उसको हार्ड कितने टाइम के लिए उसको हीट किया जाए. सो पहले हीट किया जाता है, फिर उसको थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद कूल किया जाता है. ये तीन बहुत ही सिंपल स्टेप है समझने के लिए. फिर उसके बाद मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और उसकी शेप चेंज नहीं होती, बस मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इन अंदर के जो मॉलिक्यूल्स के ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्डनेस चेंज होती है, इंपैक्ट रेजिस्टेंस चेंज होती है, टफनेस चेंज होती है, सरफेस हार्डनेस चेंज हो जाती है. सो चेंज होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड हो जाता होगा, हार्ड नहीं होती, उसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है. सो मेटल जो हीट ट्रीटमेंट से जरूरी नहीं कि मेटल को हमेशा हार्ड किया जाए, मेटल को हमेशा टफनेस इंक्रीज ही हो, बट इससे सॉफ्ट भी किया जा सकता है. सो हीट किया जाता है, फिर इसके बाद इसको कूल किया जाता है और देन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज चेंज्ड. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. सो एक पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइप है. पाइप को लाइक एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है. पाइप को पहले अगर इसको हीट किया जाए, फिर उसके बाद कूल किया जाए, इधर बाय मीन्स ऑफ वाटर या फिर एयर कूल किया जाए या फिर एटमोसफेयर रूम टेम्परेचर पर उसको रखा जाए, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत चेंज हो जाती है. सो इन दिस वे ये जो प्रोसेस है वो उसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट जो एप्लीकेशंस है, मोस्ट फेमसली जो है वो है कि ये जो गियर सिस्टम्स है, लाइक इंजन के अंदर बहुत सारे गियर्स होते हैं. सो गियर गियर की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि आपकी जो हीट ट्रीटेड मटेरियल को जो है हीट ट्रीट करें. उसके अलावा नाइफ है, उसके अलावा वेज है, उसके अलावा यहाँ पे एक और भी एप्लीकेशन दी हुई है, सीजर एप्लीकेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो गैस सिलेंडर जो एप्लीकेशन दिया हुआ है उसमें भी बहुत जरूरी होता है कि मटेरियल को हीट ट्रीट करें, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है ना वो 50 साल 100 साल, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, सालों सालों इसकी लाइफ होती है. तो इसको रिटेन करना, इसको इसकी जो लाइफ सस्टेन करना, सो वो डिपेंड करता है उसकी हार्डनेस पे, और हार्डनेस इंप्रूव कैसे होती है, हीट ट्रीटमेंट से. सो इन चार पांच एप्लीकेशन और बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट यूज होती है. सो ये चार एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है जो कि समझने के लिए कि हीट ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ यूज होती है. ओके, द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट हम करते क्यों हैं. सो द फर्स्ट इज कि द कॉज रिलीफ ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग एक्सेट्रा. सो जब वेल्डिंग करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं, लाइक टू पीस ऑफ मेटल आप जब वेल्ड करते हैं वो दोनों को, तो उन दोनों के दरमियान जहाँ पे वेल्ड हुआ होता है वहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर पोर्शन ऑफ द स्टील. जहाँ पे वेल्ड नहीं हुआ वहाँ पे हार्डनेस कम होगी, वहाँ पे स्ट्रेसेस भी कम होंगे. तो ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं, हार्डन द एंड स्ट्रेंथन द मेटल. सेकेंड जो पॉइंट है वो है हार्डन एंड स्ट्रेंथन द मेटल. सो मोस्ट फेमसली जो यूज होते हैं हीट ट्रीटमेंट वो है कि हार्डन हार्ड किया जाता है मेटल को और स्ट्रेंथन किया जाता है. इम्प्रूव मशीनेबिलिटी,
ओके, मशीनिंग एक प्रोसेस है, मशीनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लाइक कोई भी प्रोफाइल बना सकते हैं. लाइक थ्रेड, इस एग्जांपल अगर मैं दूं मशीनिंग का, वो ये है कि आप थ्रेड बना सकते हैं, लाइक उर्दू में कहेंगे उसको चूड़ी बना सकते हैं. सो उसको मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को यूज़ करेंगे. लाइक मशीनेबिलिटी तभी आसान होगी, मशीनिंग तभी आसान होगी जब पूरे पार्ट में, पूरे लाइक पूरे मेटल के जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म होगी. अगर डिफरेंट लाइक कोई एक पार्ट है जिसका एंड में आपकी हार्डनेस ज़्यादा है और स्टार्टिंग पॉइंट पे आपकी हार्डनेस कम है, सो वहाँ पे मशीनिंग आपकी अच्छी नहीं होगी और टूल ख़राब होगा और मशीनिंग जो है ना वो इंटरप्ट होगी. सो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे पूरी यूनिफॉर्म हार्डनेस हो, सो वहाँ पे हीट ट्रीटमेंट यूज़ होती है. चेंज ग्रेन स्ट्रक्चर, सो मशीनिंग का जो प्राइमरी जो पर्पस है, मशीनिंग में जो सॉरी मशीनिंग को बोलो, हीट ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी जो पर्पस है वो यही है कि ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, फिर जिसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. सो ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. इसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे. सॉफ्ट एंड मेटल फॉर फर्दर कोल्ड वर्किंग इन वायर ड्राइंग और रोलिंग. सो ये एनीलिंग के को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. एनीलिंग एक प्रोसेस है, आगे भी हम पढ़ेंगे, जिसके थ्रू मेटल जो है ना वो सॉफ्ट करते हैं, मेटल को ना कि हार्ड करते हैं. ऊपर जो प्राइमरी पर्पस, ये जो लिखे हुए हैं वो स्ट्रेंथन किया जाता है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट ट्रीटमेंट से मेटल को सॉफ्ट भी किया जा सकता है. इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड टफनेस, टफनेस और डक्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है. इंक्रीज हीट वेयर एंड क्रोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, क्रोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी इम्प्रूव होती है. ओके, आई कैन आई मस्ट से हेयर कि यहाँ पे इम्प्रूव नहीं, चेंज होना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करें. हीट ट्रीटमेंट से रिड्यूस भी हो सकते हैं. सो बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो डिक्रीज भी होती है. सो यहाँ पे इम्प्रूव की बजाय चेंज करना करना चाहिए. होमोजेनाइज द स्ट्रक्चर, हीट ट्रीटमेंट का जो प्राइमरी पर्पस है, जो इसका जो मेन फायदा है वो यही है कि होमोजेनाइज करते हैं. पहले हैप हैजर्ड उनकी मूवमेंट होती है ग्रेन स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद ग्रेन स्ट्रक्चर को अलाइन करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल चेंज हो जाती है. ओके, बहुत ही सिंपल इसके स्टेजेस हैं. ये एक फर्नेस है. फर्नेस में स्टेज वन में क्या करते हैं, हीटिंग द मेटल स्लोली टू इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ये फर्स्ट स्टेज है. सॉकिंग, होल्डिंग द मेटल एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कूलिंग द मेटल. सो लेट्स सपोज ये एक मेटल का पीस मैंने रखा इस फर्नेस में. फर्नेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेस है. ये एक टाइप ऑफ फर्नेस है जो कि हमारा टॉपिक नहीं है आज, कि फर्नेस के कितने टाइप्स हैं और किस तरह के फर्नेस हैं और फर्नेस वर्क कैसे करता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है. टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट. तो हीट ट्रीटमेंट के लिए फर्नेस सही होता है जहाँ पे हीट किया जाता है. आपको एक कन्फाइंड स्पेस में आपको हीट करना होता है. सो फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, और डिपेंड करता है, 15 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपकी हीट क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है. बहुत ही सिंपल 3 स्टेप है. पहले स्टेप में आप क्या करते हैं कि मेटल को यहाँ पे रखा, ठीक है, मेटल को अंदर फर्नेस के अंदर रखा, फिर उसके बाद विद हेल्प ऑफ दिस पैनल, इस पैनल से आप टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और जो रिक्वायरमेंट है, जो एसओपीस है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करके एडजस्ट करेंगे. मशीनिंग पैरामीटर्स को, प्रोसेस पैरामीटर को चेंज करेंगे और एडजस्ट करेंगे. फिर उसके बाद इसको बंद करके अब कुछ टाइम के लिए रखेंगे. लेट सपोज 15 मिनट के रखेंगे. 15 मिनट के बाद ये जो मेटल है, जब इसको खोलेंगे तो मेटल पूरा हॉट हो चुका होगा.
इसकी टेम्परेचर ऑलमोस्ट आप कहें कि 700 या 1000 से अबव हो चुकी होगी। सो उसको फिर उसके बाद आप कूल करेंगे, ठीक है। फिर कूल करने के बाद आपकी मेटल जो जो मेटल की जो प्रॉपर्टी है ना, वो चेंज हो चुकी होगी। सो स्टेजेस स्टेजेस यहाँ पे बताए गए हैं, तीन बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। हीट किया जाता है और थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको कूल किया जाता है। बहुत सिंपल है। ओके, फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें। टेम्परेचर अप टू विच मटेरियल इज हीटेड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द टाइम, टाइम कितने टाइम के लिए रखा है उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ कूलिंग, द सराउंडिंग एटमोसफियर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन करे कि हीट ट्रीटमेंट जो है ना, हीट ट्रीटमेंट वो किन तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है, सो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए आपने अंदर रखा, कितने टाइम के लिए आपने उसको हीट किया उस पर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ कूलिंग और कूल किस तरह किया, इधर आपने वाटर में किया, ऑयल में किया, सॉल्ट में किया, ब्राइन सॉल्यूशन में किया, या आपने रूम टेम्परेचर पे एयर में किया। सो इस पर डिपेंड करता है, और सराउंडिंग एटमोसफियर अंदर थर्मल ट्रीटमेंट। सो अब जब इसको पूरे प्रोसेस जब कर रहे होते हैं, आप टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं, आप कुछ टाइम के लिए आप फर्नेस में रखते हैं, और जब वो कूल हो रहा होता है उस दौरान सराउंडिंग जो टेम्परेचर्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सो ये तीन चार चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि हीट ट्रीटमेंट का जो है वो हीट ट्रीटमेंट किस तरह की होगी। ओके, टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये तीन चार टाइप्स के, पांच टाइप के हीट ट्रीटमेंट है, प्रोसेस हैं। सो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अनीलिंग है, फिर नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग और हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा नया प्रोसीजर नहीं है। अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग एंड केस हार्डनिंग, सब में एक ही प्रोसेस होता है। पहले आप मेटल को हार्ड करते हैं, सॉरी, पहले आप मेटल को हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं। पहले मेटल को हीट करते हैं, फिर थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, और फिर उसके बाद कूल करते हैं। यही यही प्रोसेस है, यही तीन स्टेप है जो कि सब में फॉलो होता है। उसमें चेंज क्या होता है, चेंज ये होता है कि आप फर्नेस में कितने टाइम के लिए रखते हैं वो चेंज होता है, वो डिपेंड करता है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे आप कूल करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है यहाँ पे, पांच प्रोसेस है, पांच टाइप से डिफरेंट। उसमें जो कूलिंग मीडियम है वो डिफरेंट है। जो हीट करने के बाद आप एयर में कूलिंग करेंगे, एयर में कूल कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन में कूल कर सकते हैं, आप रूम टेम्परेचर पे कूल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स है जो कि हम पढ़ेंगे, जो डिफाइन करता है कि कितने टाइप्स है। पर बाकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस के जो स्टेजेस हैं वो बिल्कुल सेम है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप पहले हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। सो यही दो या तीन स्टेप है जो कि फॉलो होते हैं हीट ट्रीटमेंट में, और इन सारे टाइप्स में फॉलो होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, कूलिंग मीडियम का फर्क है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनीलिंग, व्हाट इज एनीलिंग। एनीलिंग इन्वॉल्व हीटिंग द मटेरियल टू प्री डिटरमाइन टेम्परेचर एंड होल्ड मटेरियल एट अ टेम्परेचर एंड कूल द मेटल टू अ रूम टेम्परेचर स्लोली। सो जो पहले जो जो स्टेप्स हैं वो यही है कि आप टेम्परेचर देते हैं और होल्ड करते हैं मटेरियल को उसी टेम्परेचर पे। लाइक लेट सपोज टेम्परेचर जो होगी वो 500 होगी, 500 डिग्री सी पे आप इसको हीट करते हैं। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि इसको रूम टेम्परेचर पे आप इसको कूल डाउन करते हैं। फिर क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, स्टेप्स क्या हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल, हीटिंग ऑफ द मटेरियल एट द एलिवेटेड आर प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर, होल्डिंग एंड मटेरियल सोकिंग एट द टेम्परेचर वेरी स्लोली, कूलिंग एंड मटेरियल टू ए रूम टेम्परेचर। जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि उसको हीट करने के बाद रूम टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाता है। अब उससे होता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है एनीलिंग का, वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो एनीलिंग रिलीव द स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, मशीनिंग एंड फोर्जिंग, इम्प्रूव
or restore ductility or toughness, enhance machinability, eliminate chemical non-uniformity, refrain grain structure, reduce the gases content in the steel. Annealing से क्या होता है? Basically metal जो है ना वो soft हो जाता है. So soft करने के मतलब क्या है? So और भी benefits हैं. So annealing से आप basically metal को soft करते हैं. पहले heat किया जाता है, फिर उसके बाद room temperature पे उसको slowly cool किया जाता है. तो metal की जो property है ना वो soft हो जाती है. हार्डनेस सॉफ्ट हो जाती है, टफनेस सॉफ्ट हो जाती है, और भी प्रॉपर्टीज हैं, डक्टिलिटी और डक्टिलिटी एंड टफनेस जो है ना वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. सो रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, मशीनिंग, फोर्जिंग एंड रोलिंग एंड वेल्डिंग. ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि जो वेल्डिंग की वजह से, मशीनिंग की वजह से, या कोई भी मशीनिंग प्रोसेस जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी अननेसेसरी स्ट्रेसेस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है ना अननेसेसरीली चेंज हो जाती है. सो दिस अननेसेसरी स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आप एनेलिंग करते हैं. इंप्रूव और रिस्टोर डक्टिलिटी एंड टफनेस. सो रिस्टोर क्यों करने की जरूरत पड़ती है? टफनेस यानी कि लाइक फोर्जिंग से टफनेस इंक्रीज हो गई है एक जगह पे जो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी. सो दूसरे जगहों पे भी टफनेस इंक्रीज हो गई होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी. सो उसको रिस्टोर करने के लिए आप एनियलिंग करते हैं. मशीनेबिलिटी इसको इसको इन्हांस करते हैं. रिफ्रेन ग्रेन स्ट्रक्चर, रिड्यूस द गैसेस कंटेंट. सो गैस कंटेंट यानी कि टाइप्स ऑफ स्टील्स में डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेंट, इसमें बहुत सारे गैसेस कंटेंट भी होता है. जब इसको हीट किया जाता है तो वो गैसेस कंटेंट वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. ओके, क्विंचिंग एंड हार्डनिंग. क्विंचिंग जो है वो, अगर मैं उसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करूँ, इसकी मीनिंग यह है कि इसको सडन जो कूल करते हैं आप, सडन जो कूलिंग करते हैं, आप लोगों ने सुना हुआ होगा क्विंचिंग का नाम. सो सडन कूलिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे क्विंचिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है. सो आप इसको क्या करते हैं, पहले मेटल को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद उसकी सडन कूलिंग करते हैं. आप इधर ऑयल में करेंगे या वाटर में करेंगे. सो इन दिस वे द मटेरियल गेट्स हॉट. मोस्ट स्टील मस्ट बी कूल रैपिडली टू हार्डन देम. The hardening process increases the hardness and strength of the metal, but also increases its brittleness. Brittleness, hardness and strength जो है वो increase होती है after hardening or quenching. Okay, yes, okay. Quenching and hardening effect का फायदा क्या है? Hardening of steel done to increase the strength and wear resistance. Heated to 50 degree C above the critical temperature, then quench. The quicker the steel is cooled, the harder it would be. The temperature of hardening depend on the carbon content. Plain carbon steel above 0.4% will not harden by heat treatment. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि इसको wear resistance और strength को increase किया जा सकता है, करते हैं basically. So जितना जल्दी आप इसको cool करेंगे उतना ही ये hard होगा, उतना ही metal hard होगा. लाइक सिंपल वाटर में आप कूल करेंगे या चिल्ड वाटर में कूल करेंगे तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होगा. सो जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ हार्डनिंग डिपेंड ऑन द कार्बन कंटेंट. कार्बन कंटेंट भी डिपेंड करता है. जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतना हार्ड होने में उतना वो मटेरियल हार्ड होगा. सो जो कि प्रॉपर्टी है, जो कि डेफिनेशन है स्टील के. सो स्टील की डेफिनेशन यही है कि जिसमें कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना आपके आपका मटेरियल हार्ड होगा, और जितना कार्बन कंटेंट कम होगा 0.2-0.1% उतना आपके पास सॉफ्ट आपके पास मटेरियल आएगा, सॉफ्ट आपकी स्टील होगी. ओके, एक एग्जांपल दिया गया है क्विंचिंग और हार्डनिंग का. ओके, नो नॉर्मलाइजिंग. नॉर्मलाइजिंग क्या चीज़ है? सो फेरस मेटल आर नॉर्मलाइज टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस बाई मशीनिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग. नॉर्मलाइजिंग इज अचीव बाई हीटिंग द मेटल टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर विच इज हायर देन इधर द हार्डनिंग और एनीलिंग टेम्परेचर.
soaking the metal until it's uniformly heated and cooling it in still air. So okay, इसमें भी यही चीज़ें हो रही है कि आप क्या करते हैं कि मशीनिंग की वजह से जो अननेसेसरी स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं फोर्जिंग की वजह से या वेल्डिंग की वजह से जो अननेसेसरी स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो जाते हैं जिस जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं उसको आप रिलीज करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं. बट नॉर्मलाइजिंग में और एनीलिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि एनीलिंग में भी ये चीज़ें हो रही थी. सो नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग में क्या फ़र्क है कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है. आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजिंग इज अचीव्ड बाई हीटिंग द मेटल टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर विच इज हायर देन ईदर द हार्डनिंग और एनीलिंग टेम्परेचर्स. एनीलिंग के टेम्परेचर से ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइक एनीलिंग में 500 है तो यहाँ पे 800 या 900 होगा. सो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वहाँ पर भी आप स्ट्रेसेस को रिलीज करते हैं, मटेरियल को सॉफ्ट किया जाता है रादर देन हार्डनिंग ऑफ मटेरियल. यहाँ पे सॉफ्ट किया जाता है नॉर्मलाइजिंग में और एनीलिंग में इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीज करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और एयर में रूम टेम्परेचर पर या फिर स्टिल एयर में उसको कूल किया जाता है. ओके, नॉर्मलाइज स्टील आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन एनील स्टील. सो नॉर्मलाइज करने के बाद जो स्टील आपके पास आती है जो स्टील को आप नॉर्मलाइज करते हैं उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू अनील स्टील. स्टील इज मच टफर एंड नॉर्मलाइज इन नॉर्मलाइज कंडीशन देन एनी अदर कंडीशन. पार्ट्स डेट विल बी सब्जेक्टेड टू द इम्पैक्ट एंड पार्ट डेट रिक्वायर मैक्सिमम टफनेस एंड रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आर यूजुअली नॉर्मलाइज. जहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्ट्रेसेस ज़्यादा चाहिए होते हैं उसको ज़्यादातर नॉर्मलाइज किया जाता है. नॉर्मलाइजिंग प्रेयर टू हार्डनिंग इज बेनिफिशियल इन ऑपरेटिंग द डिजायर हार्डनेस प्रोवाइडेड द हार्डनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म. लो कार्बन स्टील आर डू नॉट यूजली रिक्वायर नॉर्मलाइजिंग बट नो हार्मफुल इफेक्ट रिजल्ट इफ दीज स्टील्स आर नॉर्मलाइज. जो लो कार्बन स्टील होती है लाइक माइल्ड स्टील है, लो कार्बन स्टील का मतलब ये है कि आपके पास कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम होता है. सो जो मेटल में फोर टाइप्स होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील. सो लो कार्बन स्टील में बहुत कम कार्बन कंटेंट होता है जिसकी वजह से सॉफ्ट होते हैं. मेटल में जो सबसे जो सॉफ्ट होते हैं ना वो लो कार्बन स्टील होते हैं. सो उसको आप अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर उसको नॉर्मलाइज करेंगे सो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको अगर नॉर्मलाइज करेंगे सो ऐसा इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नो टैम्परिंग. टैम्परिंग क्या है, स्टील इज यूजुअली हार्डर देन नेसेसरी एंड टू ब्रिटल फॉर प्रैक्टिकल यूज आफ्टर बींग हार्डन. सवेयर इंटरनल स्ट्रेसेस आर बींग सेटअप ड्यूरिंग द रैपिड कूलिंग ऑफ द मेटल. स्टील इज टैम्पर्ड आफ्टर बींग हार्डन टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस एंड रिड्यूस इट्स ब्रिटलनेस. जब स्टील को हार्डन करते हैं, आपने प्रीवियस प्रोसेस आपने पढ़ ली है, आपने हार्डनिंग पढ़ ली, आपने एनीलिंग पढ़ ली और आपने नॉर्मलाइजिंग पढ़ ली. सो इन तीनों प्रोसेस के बाद, स्पेशली हार्डनिंग के बाद, हार्डनिंग प्रोसेस के बाद जो मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो वो मुश्किल होता है कि उसी फॉर्म में आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ करें. कभी कभार, ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही हो, हर बार नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए मेटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए और उसको यूज़ करना एज इट इज़ यूज़ करना प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ना हो, सो उसको क्या करते हैं, स्टील इज टेम्परेड आफ्टर बींग हार्डन टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस. फिर इसके बाद आप उसको स्ट्रेसेस को रिलीव करने के लिए, रिलीज करने के लिए आप उसको टेम्परेड करते हैं. टेम्परिंग कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मेटल टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड देन परमिटिंग द मेटल टू कूल. द रेट ऑफ कूलिंग यूजुअली हैज नो इफेक्ट ऑन द मेटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग टेम्परिंग. द मेटल इज यूजुअली परमिट टू कूल इन स्टिल एयर. ओके, टेम्परिंग में क्या होता है कि मेटल को हार्ड करने के बाद जो मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जो कि जिसके बाद प्रैक्टिकल यूज करना इसको पॉसिबल नहीं होता या फिर मुश्किल हो जाता है, उसको दोबारा से स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए जब आप स्ट्रेस रिलीफ करते हैं सो तब उसको क्या कहेंगे, और स्ट्रेस रिलीज करते हैं उसको क्या करते हैं, आप हॉट हीट करते हैं और उसको
दोबारा से कूल करते हैं इन स्टिल एयर, सो उसको टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग में और दूसरे प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं है, आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्ट्रेसेस को रिलीव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, आप फ़र्क यही है कि बीइंग हार्डन, जो हार्ड करते हैं, जो हार्ड हो चुके, जो आपके पास मटेरियल होता है, आपके पास मेटल होता है, उसको दोबारा से स्ट्रेस रिलीव जब करेंगे सो उस प्रोसेस को कहेंगे टेम्परिंग। ओके, व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? सो टेम्परेचर यूज फॉर टेम्परिंग आर नॉर्मली मच लोअर देन द हार्डनिंग टेम्परेचर। हार्डनिंग के लिए ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सो लेट सपोज 900 डिग्री सेंटीग्रेड अगर उसका टेम्परेचर है, सो उससे रिलेटिवली जो टेम्परिंग का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा। द हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परिंग टेम्परेचर यूज द सॉफ्टर द मेटल बिकम्स। जितना टेम्परेचर ज़्यादा आप रखेंगे, जितना उसको ज़्यादा हीट करेंगे, उतना मेटल सॉफ्ट होगा। हाई स्पीड स्टील इज वन ऑफ द फ्यू मेटल्स डेट बिकम्स हार्डर इंस्टेड ऑफ सॉफ्टर इफ आफ्टर इट्स टेम्पर्ड। सो हमने पढ़ा कि टेम्परिंग से स्ट्रेसेस रिलीफ होता है, स्ट्रेस रिलीफ होने का यही मतलब है कि आप उसको सॉफ्ट किया जाता है। सो यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है कि हाई स्पीड स्टील जो आपके पास HSS होता है, बहुत ज़्यादा उसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, जिसको नॉर्मली HSS को, हाई स्पीड स्टील को आपको ज़रूरत नहीं होती कि उसको हार्ड करें, उसको हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली, हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत लो कार्बन स्टील को, मीडियम कार्बन स्टील को और इस तरह की स्टील को जिसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, उस तरह की स्टील को आपको ज़रूरत पड़ती है कि उसको उसकी हीट ट्रीटमेंट करें। सो हाई स्पीड स्टील की जो है वो हीट ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं की जाती, लेकिन अगर इसको करेंगे, उसकी टेम्परिंग अगर करेंगे, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉफ्टर वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, और भी हार्ड हो जाता है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये इस पोर्शन में टेम्पर्ड किया हुआ है, लाइक इसके अंदर जो हीट किया हुआ है, उसको कूल किया हुआ है, तो इसका कलर चेंज हुआ हुआ, सो एक एग्जाम्पल है। ओके, नो लास्ट पार्ट ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज केस हार्डनिंग। द प्राइमरी पर्पज ऑफ केस हार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस द सरफेस विच इज रेजिस्टेंस टू वेयर वाइल मेंटेनिंग द ओवरऑल टफनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कोर। ड्यूरिंग द केस हार्डनिंग प्रोसेस अ लो कार्बन स्टील इज हीटेड टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैसेस which decompose and decomposes and deposits more carbon into surface of steel. Then the part is cooled rapidly. The outer surface or case become hard, leaving the inside of the piece very tough. So note करने वाली चीज़ यही है, इसमें भी यही हो रहा है जो बाकी जो process में हो रहे थे। metal को heat किया जाता है, low carbon steel को heat किया जाता है, फिर इसके बाद आप स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेस को हीट किया जाता है, फिर उससे क्या होता है कि जो कार्बन के डिपॉजिट्स हैं वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो कार्बन के जो लेयर्स हैं वो उस सरफेस के ऊपर बन जाता है। सो उससे होता क्या है कि जो जो आउटर पार्ट है वो आपके पास हार्ड हो जाता है और इनसाइड जो पार्ट है वो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन उसकी टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो केस हार्डनिंग से जाहिर है कि जो केस है, सरफेस और केस बिकम हार्ड, कैसे होता है कि पार्ट को रैपिडली कूल किया जाता है और जो सरफेस है वो आपके पास हार्ड हो जाता है। ओके, केस हार्डनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सो द मोस्ट कॉमन केस हार्डनिंग प्रोसेस आर कॉल्ड कार्बराइजिंग। सो कार्बराइजिंग है क्या? बेसिकली अभी आपने देखा केस हार्डनिंग में क्या हो रहा था कि मेटल के कार्बन के डिपॉजिट्स जो है ना वो मेटल के ऊपर एक लेयर बना रहे थे, जिसको ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ रही थी मेटल की। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड कार्बराइजिंग। क्या हो रहा है कि कार्बन कंटेंट वो बढ़ रहा है, एक तरह से कार्बन के लेयर्स एक सरफेस पे प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। सो इस प्रोसेस को हम कार्बराइजिंग भी कह सकते हैं। सो केस हार्डनिंग को हम कार्बराइजिंग भी कह सकते हैं। केस हार्डनिंग इज एन आइडियल हीट ट्रीटमेंट फॉर
part which require a wear resistance surface and tough core such as gear cams and cylinder sleeves. सिलेंडर स्लीव्स हो गया आपके इंजन के अंदर, या कैम एंड फॉलोअर हो गया, या फिर आपके पास गियर हो गया जो कि इंजन के अंदर या फिर हर जगह आपने देखा होगा गियर्स को. सो गियर्स के अंदर या फिर कैम और फॉलोअर के अंदर को क्या चाहिए होता है कि आपका सरफेस बहुत ही हार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास गियर और गियर आपस में मैश हुआ होता है. सो वहाँ पर सरफेस इन कंटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एवरी टाइम सरफेस इन कंटेक्ट होता है, तो उसकी लाइफ हमें लॉन्ग चाहिए होती है. सो दैट्स वाई वहाँ पे केस हार्डनिंग की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होता है. नॉर्मलाइजिंग यूज्ड ऑन अ स्टील विथ लो कार्बन कंटेंट एंड इंट्रोड्यूस कार्बन बाई डिफ्यूजन कार्बोराइजिंग इन टू अ लोकल सरफेस रिक्वायरिंग हीट ट्रीटमेंट. ओके, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करता है मेटल के टाइप्स. जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतना आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील बढ़ेगी. सो कार्बन स्टील को कैटेगराइज भी इसी हवाले से इसी हिसाब से किया जाता है कि उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है. जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना कार्बन कंटेंट कम होगा उसकी उतनी स्ट्रेंथ कम होगी. सो डिफ्यूजन से क्या होता है कि कार्बोराइजिंग से क्या हो रहा है कि उसके कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है. कार्बन कंटेंट जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो कार्बन कंटेंट के लिए फायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि लो कार्बन कंटेंट को जब केस हार्डन करेंगे तो जब कार्बोराइजिंग होगी उसके अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अच्छी होगी. केस हार्डनिंग का एग्जांपल यही है जिस तरह मैंने आपको बोला था, ये एक गियर है और ये दूसरा गियर है जो कि आपस में मैश हुआ हुआ है. सो यहाँ पे केस हार्डनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि आपको सरफेस हमेशा इन कांटेक्ट में रहता है हमेशा. बहुत ज़रूरी है कि सरफेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और इसकी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो और जल्दी ये वेयर ऑफ ना हो जाए. सो यहाँ पे केस हार्डनिंग. ओके, दैट्स इट. आज के लिए आज का लेक्चर यहीं पे था. आज हमने पढ़ा कि हीट ट्रीटमेंट क्या है और उसके जो टाइप्स हैं वो क्या है. समराइज में अगर करूँगा तो हीट ट्रीटमेंट के तीन स्टेज है. मेटल को हीट किया जाता है, मेटल को कुछ टाइम के लिए रखता है हीटिंग जोन में और फिर उसके बाद आप कूल करते हैं. मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होती है. आप मेटल से हीट ट्रीटमेंट से मेटल को हार्ड या फिर टफ भी किया जा सकता है और इसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.